हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान प्रताप। मु प्रताप कुमार विश्वाल आपन समस्त स्वागत करुच्छी मोर एक नुआ दमदार भिडियो को। आज भिडियो आम कौन जानवा ना आज भिडियो आम पढ़ा जे वैदिक एज। वैदिक एज रत भी क्वेश्चन आसूसी एमसीक्यू विथ हरप एंड सिविलाइजेशन किसी एमसीक्यू आम आज आलोचना करवा पाखापाखि 50 क्वेश्चन आलोचना करवा। पर डे आम 50-50 क्वेश्चन अपलोड हम। टोटाली 6000 एमसीक्यू अपलोड हम एवं 6000 एमसीक्यू सरला ओडिशा हिस्ट्री मतलब एमसीक्यू सीरीज को जीवा तेल एटा कौन कौ मान इम्पोर्टेंस विशेषकर जो मैंने एस एस बी लेक्चरशिप पढ़ुचारा निहाती क्वेश्चन आंसर पार्टिसिपेट दरकार। सहित जो मैंने कमन पीजी एंट्रेंस टेस्ट बा सीपीटी देते हिस्ट्री पीजी एंट्रेंस देते यहाँ निहाती आवश्यक विशेषकर जो मैंने सीपीटी पिला अच्छ तुमने रेगुलरली 6000 एमसीक्यू प्रैक्टिस कर दौच ताल तुमको कौन सी प्रकार बुक पढ़वार आवश्यकता ना। ये 6000 एमसीक्यू ही सफिसीयंट तुमको कौन ना विभिन्न यूनिवर्सिटी स्थान पाइबा। तो आशा करूँ आज भिडियो समय बहुत भल लगे तुमने निश्चित भाव भल भाव देख इंपोर्टेंट पॉइंट को नोट कर और रेगुलरली प्रैक्टिस कर निश्चित भाव भल रैंक रख। तो आज भिडियो स्टार्ट करने पूर्व जब आप चैनल को नुआ आसुँच मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ, कमेंट करूँ, पाखर जो बेल आइकन अच्छे बजाय दिखाँ मो चैनल आस नुआ ना भिडियो इनफर्मेशन पाइबाई। तो आज फर्स्ट क्वेश्चन रोचे कौन ये पे भल भाव देख। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेद डील्स विथ मैजिक स्पेल एंड विचक्राफ्ट तमाने कौन एम जो वेद देती तुम ऋक वेद साम वेद यजुर्वेद अथर्वेद वेद आम चार्टा। तो पे कमेंट बक्स में कमेंट कर जे यजुर्वेदर उपवेदटा कौन। ओके प्रत्येक वेदर जब उपवेद तुम डिस्क्राइब कर बहुत भल कथ बर्तन कितना क्वेश्चन आसूस कौ वेद कौन लिखाई कौ वेद कौ कथ लिखाई तो यह सब लिखाई था आर्थर पोस्टला क्वेश्चन जे कौ वेद तुम का सिस्टम विषय विशेषकर वर्णना कर आर्थर पड़ा क्वेश्चनटा। ये क्वेश्चन कौन दे कौ वेद मैजिक स्पेल एवं विच क्राफ्ट विषय लिखाई पे राइट आंसर कौन हम ना अथर वेद। तो अथर वेद ही लिखाई कौन ना मैजिक विषय लिखाई जो कला जादू एवं विथ क्राफ्ट विषय लिखाई। एक दु नंबर क्वेश्चन आम देखा द लेटर वैदिक एज मीन्स द एज अफ कम्प्लीटेसन कम्प्लीसन अफ मैंने आम लेटर वैदिक एज को अगर कौ नाम जापर आपको समिता एज मैं कहुए ब्राह्मणिक एज मैं कहुए आर्याणिक एज कहुपर तुलना कर। तो राइट आंसर कौन हम ऑल ऑफ द एबव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख तीन नंबर क्वेश्चन रोचे द वैदिक रिलीजन एलंग विथ लेटर वैदिक डेवलपमेंट इज एक्चुअली नोन आज आपको आम कौन जाना वैदिक रिलीजन को तो लेटर वैदिक डेवलपमेंट कौन है वैदिक रिलीजन सहित लेटर वैदिक जो डेवलपमेंट होती आम जॉइन करी कौन कहते पे आम कहते ब्राह्मणी जी। ओके वैदिक रिलीजन लेटर वैदिक मिसला कौन कहते कौन सृष्टि ब्राह्मणी जी वैदिक धर्म हम नहीं भगवत जिम हम नहीं हिंदू जिम हम नहीं हम कौन ब्राह्मणी जिम। नेक्स्ट क्वेश्चन दे देख पे भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन द वैदिक आर्यन फास्ट सेटल इन द रीजन अफ जो वैदिक जो मैंने अदिवासी मैंने मुख्यतः तो आर्यन हिसाब से जानती आर्य हिसाब से जानती से प्रथम कौटी बसवास करुते। तो राइट आंसर कौन हम ना सप्त सिंधु जो वैदिक सभ्यतार जो अदिवासी मैंने मुख्यतः तो आर्यन हिसाब से जानती आर्य जातीय लोक मैंने जानती से आर्य जातीय लोक मैंने कौटी रोते ना सप्त सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स द फेमस गायत्री मंत्र जो बुक दे बुक मध्य कौ बुक गायत्री मंत्र विषय लिखाई। तो राइट आंसर कौन हम पे ऋक वेद ऋक वेद गायत्री मंत्र विषय लिखाई और ऋक वेद 10th मंडल कौन कह तुम पुरुष शास्त्र विषय कह धर्म अर्थ काम मुख्य ओके ये सब विषय कह गायत्री मंत्र कौ वेद विषय कह कौ वेद लिखाई ऋक वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पे 6 नंबर द फेमस गायत्री मंत्र इज एड्रेस टू जो गायत्री मंत्रटी आम अच्छी से गायत्री मंत्र क्यों देवता बा क्यों देवी उद्देश्य यहाँ रचना कराई राइट आंसर पे मैंने कौन हम तो राइट आंसर हम तुम सावित्री। ओके सावित्री हम राइट आंसर गायत्री मंत्र क्या एड्रेस कर लिखा ही सावित्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैंने देख टू हाईएस्ट गॉड इन द वैदिक रिलीजन वेयर दुईज ऋक वैदिक एज्र ये खाली वैदिक दे
तो वैदिक युग जो हाएस्ट गड पे मैंने किए थे तो हाएस्ट गड कौन हम ऋग वैदिक इंद्र वरुण हम अग्नि किंतु लेटर वैदिक युग तुम आइए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सब लेटर वैदिक युग आइए ऋग वैदिक कौन मैंने थे इंद्र अग्नि वरुण ये सब थे तुम कौन आलि वैदिक युग। आठ नंबर क्वेश्चन पे देख डिविजन ऑफ द वैदिक सोसाइटी इनटू फोर क्लासेस इज क्लियरली मेंशन इन द जे वैदिक सोसाइटी चारिटा क्लास रे भाग होता आर वर्ष क्वेश्चन पे भल मन रख यही क्वेश्चन टा 2023 सीपीईटी रे पड़ा 23 किंवा 22 रे पड़ा। ओके पूर्व कही तो पे देख जो प्राक्टिस करते इजिली करदे पारे तो ये जो वैदिक सोसाइटी चारिटा क्लास रे भाग होता सेटा कोठी लिखा जाए ना यहाँ हूँ तुम्हारा पुरुष सूक्त ऋग्वेद। ओके पुरुष सूक्त ऋग्वेद लिखाई टेन्थ मंडल ओके टेन्थ मंडल कौन ना लाटेस्ट मंडल हो ऋग्वेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिस वैदिक गॉड वाज ब्रेकर ऑफ फोर्ट अल्सो नोन आज वार गॉड बा वैदिक सभ्यतार जनक आम गौ गोटे ठाकुर थे आम कहते ब्रेकर ऑफ फोर्ट बा पुरंदर बोली क्या जानते वार गॉड युद्धर गॉड मध्य क्या जानते राइट आंसर कौन हम इंद्र इंद्र को आम पुरंदर बोली जानते ब्रेकर ऑफ फोर्ट ताकूम वार गॉड हिसाब से जानूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख हरप्पा से क्वेश्चन गोटे आसूस द हरप्पन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिस्ट ड्यूरिंग द एज जो हरप्पन सभ्यता जो वृद्धि पाई से कौ समय सभ्यता बोले कहीपर पे तो मेघालेथिक हम नहीं पैलोलिथिक तो हम नहीं न्योलिथिक हम नहीं राइट आंसर कौन हम चालकोलिथिक में जो हरप्पन सिविलाइजेशन टा विभिन्न प्रकार एज अच्छी पैलोलिथिक मेसोलिथिक न्योलिथिक चालकोलिथिक हरप्पन टा कौ समय आसो हरप्पन टा तुम आसो चालकोलिथिक। ओके तो 11 नंबर क्वेश्चन टा द फास्ट मेटल टू बी एक्सटेंसिवली यूज्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया वाज जो कौ मटेरियल को इंडियंस माने एक्सटेंसिवली इंडिया रे पॉपुलरली यूज करते पिला माने एटा कौ मटेरियल टा हबो ना कॉपर कॉपर को ही अधिक एक्सटेंसिवली यूज होतला कोटी इंडिया रे। 12 नंबर क्वेश्चन पिला माने देखिबा Which of the following civilization is not associated with the Harappan civilization? एथिमदुर को सभ्यता हरप्पा सभ्यता सहित संपर्क थिला बोले जानती राइट आंसर कौन हम एट दे मेसोपोटामिया इजिप्ट सुमेरियो चाइनीज तो ये जो ऑप्शन दे पे ना हरप ऑप्शन टी दे चाइनीज तो चाइनीज हम ना बिकज ये इजिप्ट रु सिंबल आमको मिली किसी जिनस आउ मेसोपोटामिया मिली तो इजिप्ट मेसोपोटामिया हाउ वेयर राइट आंसर। ओके बोथ ए एंड बी हम बोथ रू मिली आंसर दे भूल दे ऑप्शन डी चाइनीज हम ना। ओके जदि ऑल ऑफ दी हाँ थोड़ा तो चाइनीज हो पाए बिकज चाइनीज ऑप्शन देहेतु चाइनीज बहुत जिन कम मिलू बट इजिप्ट अधिक तुम जो अच्छी सिल गुड़ाक सब लिंक रोचे का सहित ना इंडियान जो हरप्पन सिविलाइजेशन था सहित लिंक थी वाणिज्य संपर्क। तेरह नंबर क्वेश्चन देख अफ द फलोईंग स्कलार हू वाज द फास्ट टू डिस्कवर ट्रेस अफ द हरप्पन ये गोटे वर्ष क्वेश्चन था 2022 मसीह क्वेश्चन हरप्पन सिविलाइजेशन को प्रथम किए ट्रेस करते देख पे ट्रेस किए करते ना दयाराम साहाणी। ओके आर डी बनर्जी कौटा करते तुम मोहनजोदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द हरप्पन सिविलाइजेशन अचीव्ड फार ग्रेटर एडवांसमेंट देन सुमर एलम एक्सेट्रा ऑन अकाउंट ऑफ इट्स जे हरप्पन सिविलाइजेशन टा बहुत किसी भल अचीवमेंट करा कौ क्षेत्र में जोटा कि अन्य सभ्यता ठीक बहुत भल था जमी सुमेर हो इजिप्ट हो बहुत भल था राइट आंसर पे मैंने कौन हम हरप्पा तर गोटे जिन बहुत फेमस गोटे टाउन प्लानिंग तो राइट आंसर हम टाउन प्लानिंग हरप्पन सिविलाइजेशन फार एडवांस करता कौ क्षेत्र में टाउन प्लानिंग क्षेत्र में रोड गुड़ी पूरा सीधा था घर पाखे वेल था तो सब जाक एडवांस टेक्निक सब यूज करते कौ मैंने हरप्पा सभ्यतार अधिवासी मैंने कौन टाउन प्लानिंग गुड़ा बहुत भल था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख कौन रोच द टाउन प्लानिंग इन द हरप्पन सिविलाइजेशन वाज इंस्पायर्ड बाय ए रिगार्ड फॉर जो थिला आमे जो टाउन प्लानिंग जो थिला गोटे कौ जिन जोटा कि आमको एबे भी इंस्पायर करे जाए इत्ते समय एडवांस थिले तो राइट आंसर कौन हम राइट आंसर हम सानिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ तो ये सानिटेशन ड्रेन सिस्टम करते पब्लिक हेल्थ सिस्टम पब्लिक हेल्थ विभिन्न प्रकार
कार्यक्रम करुले विभिन्न प्रकार औषधालय हूँ सब थिला बोली प्रमाण मिलूँ कौटी हरप्पा सभ्यतार से देख रोड पाखे ड्रेन जाऊला ड्रेन गुड़िक स्लाब गुड़िक बिछा होता है जो गैस बाहर तो एगुड़ा सब जो अफेक्टेड है लोक मैंने तो एगुड़ा सब जाक गोटे हूँ कौन आडभासमेंट जोटा कि आमको बर्तमान समय मतलब इन्स्पायर कै तो यहाँ राइट आंसर कौन हम हरप्पन सिविलाइजेशन सिविलाइजेशन कौटा आमको इन्स्पायर करे ना सानिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 16 नंबर क्वेश्चन पे मैंने द इंडस ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अदर कंटेम्पररी जे जो इंडस बा हरप्पन सिविलाइजेशन पे मैंने जो थिला ओके तो ये जो थिला यहाँ आमको डिस्टिंग्विश फ्रॉम द अदर कंटेम्पररी जो अन्य सभ्यता ठार जिनटा कौटा था जोटा कि भारी तुमको कौन इंस्पायर करे टाउन प्लानिंग तो हम आउ एटा गोटे अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम मुझे पूर्व कही हम तो दुटा जाक हम बोथ ए एंड बी जोटा कि आमको इन्स्पायर करे ओके गोटे अदर कंटेम्पररी सभ्यता ठार बहुत आडभांस था प्रमाण दिए गोटे ड्रेनेज सिस्टमटा आउ टाउन प्लानिंगटा टाउन प्लानिंगटा जदि पूरा देव अति इम्प्रेस्ड करे सेटा हूँ टाउन प्लानिंग ओके आदि जी कंटेम्पररी सभ्यता ठार टे डेवलपमेंट थी कौ क्षेत्र में पर्टिकुलर डेवलपमेंट थी आसो ड्रेनेज सिस्टम अन्य कौन सी जगह ड्रेनेज सिस्टम पाती हरप्पा आम ड्रेनेज सिस्टम पाती राइट आंसर कौन हम अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख मैच द फॉलोइंग मैच द लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट यहाँ क्वेश्चन मतलब पड़ा 2021 मसीह जे कौ सीपीटी कमन पीजी एंट्रान्स टेस्ट जो एस एस बी भाईवाई जो पिलाने एस एस बी जो मैंने पढ़ुच से जगह जगह जाना दरकार कौ जगह कौटा अच्छे तुम मेनसन कर रोपाटा मिसेब कौटा क्या सहित मिसुची तो मैच द फॉलोइंग हरप्पन साइट लिस्ट वन को लिस्ट टू सहित तुम जोड़ ओके तो हर रोपार रोपार तो बने उत्तर प्रदेश में ओके जोड़ब का सहित कौटा मिसुची ओके तो आलमगिरीपुर पंजाब ये तो हम नहीं धोलावीरा इन राजस्थान ये तो हम नहीं तो तुम कौन हो देखा तेल तुम ए हूँ कौन रोपार तो ए आसब तुम पंजाब रोपारटा कौट अच्छे पंजाब अच्छी तापर तुम रहा कौन ना तुम आसपे ये तुम देख रोपा आलमगिरीपुर कौटी से भाई मिसुची तो ये जहाँ भी हो तो राइट आंसर कौन हम ना कालीबांगन कौटे अच्छी ओके गुजरात रे अच्छी सब जगह तुम मिसेब मिसे सारापर देख कौटा क्या सहित मिसुची ए सहला मिसला या सहित से भाया बी तुम क्या सहित मिस आलमगिरीपुर कौटे अच्छी ओके तापर तुम देख सी ऑप्शन टा कौट मिलू तो कालीबांगनटा राजस्थान में अच्छी यहाँ तुम मिसेब जो मिस देख ऑप्शन जो थोड़ा तुम ठीक मार से तुम डी देख डी एक्चुअली डीटा एक्चुअली कौट मिसुची तो ढोलावीरा ढोलावीरा तुम गुजरात हम ओके से भाया तुम देख लास्ट बनवालटा हरियाणा हम तो यहाँ होता है राइट आंसर मैंने कौन राइट आंसर हम तुम टू आई 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 भी मिसेब कौटा क्या सहित मिसुच से अनुसार अप्सन गुड़ी बाछब तो यही हिसाब से तुम जाना दरकार जो कौ जगह कौटा अच्छी से बेले बेले बहुत प्रकार क्वेश्चन पचारूँ। 98 क्वेश्चन पे मैंने देख द डेट ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन फ्रॉम 2300 टू 1750 बीसी हाज बीन फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ दैट मीन्स जे ये जो हरप्पा सभ्यतार आम गोटे टाइम पीरियड फिक्स करूँ से कौ बेसीस्रु आम ये टाइम पीरियडटा को फिक्स कर टाइम पीरियड 2300-1750 बोली कौ टाइम पीरियड को फिक्स कर राइट आंसर कौन हम ना तुम रेडियो कार्बन डेटिंग हिसाब से ओके जो रेडियो कार्बन डेटिंग अच्छी रेडियो कार्बन डेटिंग हिसाब से हरप्पा सभ्यतार जो टाइम पीरियडटा को आम 2300-1750 बीसी बोली फिक्स है ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द लार्ज हरप्पन टाउन हार्ड फॉर फोर्टिफिकेशन व्हिच सर्व्ड द पर्पज ऑफ जे हरप्पन टाउन जो थिला फोर्टिफिकेशन होता कौन पाई जो मुख्यतः व्यवहार होता जो बड़ बड़ गृह गुड़िक जो फोर्टिफिकेशन होता या निर्माण होता राइट आंसर कौन हम सेफ्टी फ्रॉम रॉबर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट कैटल राइडर्स जो मैंने जो तो चोरी करुवे लोक मैंने से घर सुरक्षा नहीं पारे जो मैंने कैटल राइडर थे से प्रोटेक्शन दि जापर तो फ्लड आसने बड़ बड़ घर रहीजे तो ये सब जगह कारण हम दाई जो कौन होता ना लार्ज हरप्पन टाउन मानक बड़ बड़ फोर्टिफिकेशन होता निर्माण कर बड़ बड़ कोठा मान कौन पाई ना ये सब कारण जो कारण मुझे कहली। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन सीरियल्स ग्रोन बाय पीपल ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन वाज वेयर जे प्रथम कौटा
हरप्पा सभ्यतार अधिक से मैंने बढ़े थे हरप्पा सभ्यतार जोटा कि आम प्रूफ मिलूँ से चाषवास करुते कौ खाद्य शस्य को व्हेट तो थिला राइस तो थिला मिलेट तो थिला राइट आंसर कौन हम ऑल द अबव ओके थर तुम हरप्पा को भल भाव पढ़ी दियो तापर क्वेश्चन आंसर प्राक्ट कर इजी हम ये मैंने मन रखी पार एक क्वेश्चन देख द यूटेनसिल अफ द इंडस वैली पीपल वेयर मेनली मेड अफ एटा 2021 मसीह गोटे सीपीटी कमन पीजी एंट्रान्स टेस्ट र क्वेश्चन टे एस कमन पीजी एंट्रान्स टेस्ट मैं एस एस बी करुच्ची तो एस एस बी आउ कमन पीजी एंट्रान्स टेस्ट क्वेश्चन देखिए पाए सेम टाइप आसूँ अध बेले ओके टी हार्ड आसो एस एस बी सीपीटी अपेक्षा यूटेनसिलटा मैंने केमी तैयारी ना क्ले करते कादुआर से मैंने कपर ब्रोज ब्रास हमने तो 22 नंबर क्वेश्चन देख व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल वेर नॉट नोन ऑन द इंडस वैली पीपल एतिमधर कौ कार व्यवहार इंडस वैली पीपल जान ना तो समस्त छोटे बेले पढ़ी आयरन जे आयरन न व्यवहार हरप्पा सभ्यता अधिवेशन को जाना ना हाँ 23 नंबर क्वेश्चन पे देख व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट वाज नॉट वर्शिप्ड बाय द इंडस वैली पीपल एतिमधर क्यों ठाकुर को हरप्पा सभ्यता अधिवेश मैंने पूजा करूँ ना तो पशुपति शिव मिली मडल गडेस मिली ट्री मिली पीपल आउ गूफ मिली तो राइट आंसर त्रिमूर्ति से ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को पूजा करते कौन से प्रकार प्रमाण नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट हाज ए सपोज टू डॉकयार्ड बीन फाउंड एमधर क्यों जगार हरप्पा सभ्यता गोटे डॉकयार्ड मैंने गोटे पोताश्रय मिली अनुमान करते लोथाल ओके लोथाल गोटे पोताश्रय था लोथाल ओके सही आमको पोताश्रय मिली डॉकयार्ड कौट मिली ये फॉलोइंग साइड देता हूँ लोथाल 25 नंबर क्वेश्चन देख द इकोनॉमी ऑफ द इंडस वैली पीपल वाज बेस्ड ऑन जो हरप्पा सभ्यतार अधिवासी मानक जो आर्थिक नीति क्या बेस करके भरती एग्रीकल्चर तो करुते वाणिज्य कर प्रमाण मिली क्राफ्टिंग कर प्रमाण मिली अल अफ दि अभाव से इकोनॉमी बेस्ड था एग्रीकल्चर पर ट्रेड एंड वाणिज्य व्यवसाय पर क्राफ्ट पर 26 नंबर क्वेश्चन दूसरी द हरप्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन एज ए रिजल्ट ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन कौन पर पतन घटला ऑलरेडी मैं कल आलोचना करी आयन अन्य आक्रमण कल गोटे किए कौन एटा ठीक फॉरेन डिक्लाइन फॉरेन डिक्लाइन इन फॉरेन ट्रेड एटा ठीक इकोलॉजिकल फैक्टर ठीक नॉट आइडेंटिफाइड नोन द फैक्टर तो यहीटा आंसरटा यहाँ ताको मैच करूनी ओके बाकी सब कारण था जो जो कौन होता है हरप्पन सिविलाइजेशन का पतन घटी 27 नंबर क्वेश्चन पे मैंने देख द मोस्ट कमन एनिमल फिगर फाउंड एट हरप्पन साइट जो सबुठ कौटा जे आम अधिक पाती तो यहाँ हम यूनिकॉर्न बुल एटा ऑलरेडी मुझे आग क्लास में पढ़े थी यूनिकॉर्न बुल को आम हरप्पा सभ्यता अधिक पाती ओके कॉमन एनिमल फिगर जो था सबुआ देखा पाती यूनिकॉर्न तुम बुल बुल यूनिकॉर्न बुल। नेक्स्ट क्वेश्चन द टर्म ऑफ आर्यन इंडो आर्यन एंड इंडो यूरोपियन डिनोट ए कॉन्सेप्ट कौ कॉन्सेप्ट को डिनोट करे देख लिंग्विस्टिक रेसियल रिलीजियस कल्चर लिंग्विस्टिक ओके इंडो आर्यन ओके आर्यन तापर इंडो यूरोपियन ओके ये सब जाक कौ डिफरेंट डिफरेंट करे यहाँ हो गए लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन टा अकॉर्डिंग टू द मोस्ट वाइडली एक्सेप्ट व्यू द आर्यन ओरिजिनली केम फ्रॉम प्रकृतर कौटा को आम अधिका विश्वास करते आर्यन मैंने माइग्रेट कौ जगार होकर इंडिया को आसते राइट आंसर कौन हम सेंट्रल एशिया तो सेंट्रल एशियन थ्योरी किए देते मैक्स मुलर भले तुम भल भाव मन रखता हो अधिकांश लोक मैक्स मुलर थ्योरी सेंट्रल एशिया थ्योरी को ग्रहण करते मतलब पे कमेंट बक्स में कमेंट कर सेंट्रल एशियन थ्योरी मैक्स मुलर कौन कही से विषय अधिकांश लोक मैक्स मुलर जो सेंट्रल एशियन थ्योरी को आक्सेप्ट करते वैदिक सभ्यतार अधिवासी जो थे सेंट्रल एशिया इंडिया को आसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेद वाज कंप्लाइड फास्ट एतिमधर कौ वेद को प्रथम रचना कर ऋग्वेद ऋग्वेद हूँ सबुठ ओल्डेस्ट वेद बाकी सब वेद यही तीन टा जाक वेद लेटर वेदिक एज होता ऋग्वेदा फास्ट रचना होता। 31 नंबर क्वेश्चन द वैदिक इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन जे वैदिक इकोनॉमी का ऊपर बेस्ड थिला पिला माने वैदिक इकोनॉमी लोक मैंने ट्रेड एंड कमर्स एत पारंगम नथिले क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री नथिले से हरप्पा हबो एग्रीकल्चर एंड कैटल ट्रेडिंग रे सेमाने एक्सपर्ट थिले आम कह वैदिक इकोनॉमी मुख्यतः एग्रीकल्चर एंड कैटल ट्रेडिंग उपरे बेस्ड थिला। 32 नंबर क्वेश्चन
द नॉर्मल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड वाज जे वैदिक पीरियड रे जो नॉर्मल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट केमिति थिला ओके डेमोक्रेसी थिला ना रिपब्लिक थिला ना ओलिग्राची थिला ना मोनार्की थिला राइट आंसर कौन हम ना मोनार्की तो वैदिक पीरियड भल मन रखता वैदिक पीरियड में मोनार्किकल गवर्नमेंट थिला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैंने देख टू पॉपुलर असेंबली ऑफ द वैदिक पीरियड वेयर वैदिक पीरियड समय रे दुई प्रकार पॉपुलर असेंबली थिला पे भल मन रखता सभा और समिति राइट आंसर हम तो 34 नंबर क्वेश्चन पे मैंने देख द इंडो ग्रीक किंगडम सेट अप इन नॉर्थ अफगानिस्तान इन द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड सेंचुरी बीसी ओके तो कौ मैंने थिले जो मैंने कौन करते ना इंडो ग्रीक किंगडम टा सेटअप करते अफगानिस्तान ने सेकेंड सेंचुरी बीसी बर्तन आम देखा ओके यहाँ मतलब वैदिक सिविलाइजेशन क्वेश्चन टा राइट आंसर हम स्काथियन स्काथियन मैंने कौन है ना इंडो सॉरी भूल कही मुझे वैदिक क्वेश्चन नुह एटा हूँ तुम जो मैंने फॉरेन इनवाजन क्वेश्चन एंशिएंट इंडिया रे तो तुम स्काथियन मैंने होते जो मैंने कौन करते ना स्काथियन मैंने तुम सेकंड सेंचुरी बीसी रे इंडो ग्रीक्स किंगडम सेट करते कौटी ना नॉर्थ अफगानिस्तान रे। 35 नंबर क्वेश्चन पे मैंने देख द बीट स्पेसिमेंस ऑफ मौर्यन आर्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर जे कौटा स्पेसिमेन मौर्यन आर्ट को रिप्रेजेंट करे राइट आंसर कौन हम पिलर विभिन्न प्रकार पिलार ओके अच्छी तुम अशोक सभा बहुत प्रकार पिलार होता से तुमको कौन करे ना चैत के स्तूप तो हम ना स्तूप या बट मोस्ट जो देखा जोटा कि मोरियन को अधिक रिप्रेजेंट कैसे तुम पिलार्स जो मोरियन को आर्ट एंड आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करे। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट एन इंपोर्टेंट सोर्स मटेरियल फॉर द मोरियन पीरियड एम कौटे गोटे मोरियन पीरियड र गोटे इम्पोर्टाट सोर्स मटेरियल नुह ओके राइट आंसर कौन हम राइट आंसर पे हम जे लिटरेरी वर्क तो बहुत गुड़ा अवेलेबल रोचे फॉरेन अकाउंट्स रोचे और एपिग्राफिक सोर्स बहुत गुड़ा अवेलेबल अच्छे तो न्यूमिस्मेटिक्स एविडेंस ही हम क्वेश्चन कौन थी क्वेश्चन थी इम्पोर्टाट सोर्स सब जाक सोर्स मटेरियल बट इम्पोर्टाट सोर्स मटेरियल न्यूमिस्मेटिक एविडेंस को धरा जाव ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू स्ट्राबो द तमिल किंगडम टू फास्ट सेंड एमिसरीज टू मीट अगस्टिन इन आथेन्स इन 20 बीसी वाज जे अकॉर्डिंग टू स्ट्राबो द तमिल किंगडम रो किए थिले जे को किंगडम शासन करथला जे कि पठे थिले अगस्टिन को कौन करे मीट करिया पाई किए से थिले को डायनेस्टी थिला तो राइट आंसर कौन हम ना पांड्य पांड्य मानकर भल रिलेशन थिला का सहित ना तुम बाहर देश सहित भल संपर्क थिला। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द नंद डायनेस्टी एति मध्यरु के होचंदी नंद डायनेस्टी रो फाउंडर तो महापद्म नंद। नेक्स्ट क्वेश्चन द वर्ड वेद हैज बीन डेरिव्ड फ्रॉम द रूट वर्ड भीद भीद मीन्स नॉलेज व्हिच मीन्स वेद मीन्स कौन भीद मीन्स कौन नॉलेज वेदर अन्य नाम श्रुति बिकॉज ताको सुनि सुनि कि मन रखुथिले। 40 नंबर क्वेश्चन पिला माने देखो द कुषाण रूल वाज ब्रॉट टू आन एंड बाय जे कुषाण रूल कहा समय कौ डायनेस्टी आरंभ होवारु आम देखिले कुषाण डायनेस्टी पतन होउछि बोली धरिबा नागत हबो ने ब्रिटिशर तो मॉडर्न समय आइले समुद्र राइट आंसर कौन हम ना हिंदू शाही डायनेस्टी ओके हिंदू शाही डायनेस्टी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक हाज बीन पर्टिकुलरली इनफ्लुएंस्ड बाय द बुद्धिस्ट मंक जो अशोक क्यों बुद्धिस्ट मंक द्वारा आकृष्ट हो इंस्पायर हो से कौन करते ना बौद्ध धर्म ग्रहण करते राइट आंसर कौन हम ना उपगुप्त द्वारा कलिंग युद्ध पर मन परिवर्तन है सी बौद्ध धर्म ग्रहण करते। 42 नंबर क्वेश्चन पे देख ड्यूरींग कनिष्क रिजन कनिष्क समय द सेन्टर अफ पॉलिटिकल आक्टिविट सिफ्टेड फ्रम मगध टू जे कनिष्क समय कौन थी जे मगधर कौटी को ट्रांसप्लांट हम पुष्पपुरा पुष्पपुरा कौटी तुम पेशुआर ओके ये जगह कौन होता ना कनिष्क समय जो मगधर कैपिटल ट्रांसफर होता है आक्टिविटी गुड़िक ट्रांसफर करते किए कनिष्क कनिष्क कौ डायनेस्टी ना कुषाण डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख व्हिच ऑफ द फॉलोइंग संस्कृत लैंग्वेज एति मध्यरु कौटा गोटे संस्कृत लैंग्वेज राइट आंसर हम गुप्त मैंने संस्कृत लैंग्वेज को व्यवहार करुथिले अधिक मात्रा रे ओके। 44 नंबर क्वेश्चन पे देख
हु हाड गट द कोणार्क सन टेम्पल कन्स्ट्रक्टेड त कोणार्क सन टेम्पल को क्या समय तैयारी नरसिंहदेव सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कल्पचर इनवेरेबली यूज्ड ग्रीन सीट ऑन द मीडियम। ओके राइट आंसर कौन हम ना तो तुम भारूद स्कल्पचर को आम कौन कहवा ये व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कल्पचर इनवेरेबली यूज्ड ग्रीन सीट ऑन द ऑफ द आज द मीडियम द ग्रीन सीट को कौ जिनस व्यवहार कर मौर्य ना मथुरा ना गांधार ना कौ आर्किटेक्चर यहाँ हूँ तुम भारूद स्कल्पचर व्यवहार कर। 46 नंबर क्वेश्चन पिला देख हु एमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन मेडिसिन ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड इतिम्य किए थे जे गुप्त समय निजर मेडिसिन दक्षतापी प्रसिद्ध लाभ करते आंसर हम सुश्रुत। सुश्रुत कौन लिखते सुश्रुत संहिता। 47 नंबर क्वेश्चन पिला देख इन द कंटेक्सट ऑफ एंशिएंट इंडिया सोसाइटी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ द अदर थ्री देखिए इन द कंटेक्सट ऑफ एंशिएंट इंडियन सोसाइटी एंशिएंट इंडियन सोसाइटी कंटेक्सट रे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इतिम्य जो चार्टा टर्म देती कौ टर्मटा कौन कौन ओके डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ थ्री जो अन्य तीन टा सहित मिसुना से तीन टा अलग होके राइट आंसर कौन हम कूल थिला वंश थिला कोश नथिला एटा गोत्र सब जाक थिला किंतु कोशटा गोटे डिफरेंट टाइप रो वाटे लागुची जोटा कि तीन टा ठारु कैटेगरी ठारु भिन्न होउची सोसाइटी को रिप्रेजेंट करछन्ती तीन टा जाक गोत्र वंश कूल किंतु कोश न तो 48 नंबर क्वेश्चन पिला माने देखो हु रोट मिरीच कटिक ओए क्ले काठ एक बही किए लिखते पिला माने एटा होउची शूद्रक के को बही लिखले मते बहुत समय पचारुछु ओके भला भला को पढ़ी दियो शूद्रक लिखले मिरीच कटिक। 49 नंबर क्वेश्चन पिला माने देखो आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हरप्पन टाउन एंड सेटलमेंट हैव बीन फाउंड इन जे आफ्टर इंडिया पार्टीशन हेला परे भारत आ पाकिस्तान पार्टीशन हो गले तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ हरप्पन साइट आम कौट पाउंटी तो राइट आंसर पिला माने कौन हम ऑप्शन दीजिए पंजाब हरियाणा गुजरात उत्तरप्रदेश पे भल भाव मन रखता इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन हेला परे आम अधिकांश जगह गुजरात ही पाउंटी। 50 नंबर क्वेश्चन एवं आज शेष क्वेश्चन यापर का 50 क्वेश्चन आसो ये पाने 6000 रु एम सी क्यू आम प्राक्ट करापर आम ओडा हिस्ट्री में पाखापाखि 5 घंटे एम सी क्यू प्राक्ट कराता कौन हम तुमको कौन सी प्रकार बुक आवश्यकता पड़े नहीं कौन सी प्रकार गाइड कि आवश्यकता पड़े ना। द इंडस वैली सिविलाइजेशन कैन बी सेड टू बिलंग्स टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन अलरेडी पढ़े पाने कौ समय हम ओके चालकुलोथिक चालकुलोथिक नाटा हम ब्रोंज एज ओके इंडस वैली सिविलाइजेशन कौ एज हम एटा हम ब्रोंज एज। तो माय डियर स्टूडेंट्स तो मुझे आशा करुच्ची आज 50 क्वेश्चन आपण बहुत भल लगे आपण भल भाव प्राक्ट करूँ और आपड़ निज निज परीक्षा करूँ के क्वेश्चन अनुसार आपको जना अच्छी केतु जना ना तो रोच निश्चित भाव में चैनल को सब्सक्राइब करूँ कमेंट करूँ जदि कह किसी डाउट अच्छी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देखा आ गोटे नुआ वीडियो रे।